वाले एरिया से हम लोग निकले थे भाई, इतनी ताबड़ तोड़ तेज बारिश आ रही थी वहाँ पे, एंड अभी यहाँ पे आए हैं भाई, बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं है। हम आपको ये देखो जेसीबी है ना, उसी से जाके ट्रक में लड़ चुकी है। अच्छा उसको उठाने आई भाई, इतनी जोर से ट्रक लड़ा है यहाँ पे गाइस, इससे लड़ा हुआ अभी ट्रक, पूरा ट्रक उसी ट्रक से लड़ा है। फिलहाल हम लोगों ने बालाजी के अंदर एंटर कर लिया, अभी हम लोग सीधा मंदिर जा रहे हैं बालाजी के। बालाजी महाराज की जय। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम लोगों ने बालाजी के अंदर एंटर कर लिया, एंड ये जो मार्केट लगती है वो मार्केट है अंडिया बालाजी मंदिर में। हम लोगों ने जहाँ लास्ट टाइम पार्क किया था गाड़ी को, सो अभी हम लोग वही पार्क करने जा रहे हैं। गाइस फाइनली हम लोगों ने पूजा वूजा सब कर ली, बाहर आ चुके हैं वहाँ से, रिकॉर्ड में इसलिए नहीं कर पाया। बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस कार के पास। कुछ चीज़ें होती है मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, बट यार अब मम्मी पापा से पूछ लेना, उनको तो पता ही होगा। बट ये मैंने अंदर व्लॉग भी नहीं किया था, अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, व्लॉग बनाना अलाउड भी नहीं था, सो या मैंने किया भी नहीं था। एंड वैसे भी मन के अंदर से लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे ब्लॉक करना चाहिए इस जगह पे, सिचुएशन को देख के। सो आगे सभी चलते हैं अंदर, गाड़ी में बैठते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से। आगे फिलहाल हम लोग बालाजी से जा रहे हैं, हम लोगों ने एकदम मस्त खुले दर्शन के, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी, बट या इस बार तो एकदम पूरा खुला हुआ था, बिकॉज लास्ट टाइम कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था यहाँ पे। ओके सो आगे फिलहाल हम लोग बालाजी से आगरा के लिए निकल चुके हैं, एंड मम्मी फिलहाल अभी पूजा कर रही हैं आंडिया, अभी मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना है, फिर उसके बाद हम लोग दादी से मिलेंगे। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सो जल्दी से चलते हैं आगरा। भाई इस अंकल की बाइक की आवाज़ सुनो यार एक बार। बीच ड्राइव के रुके थे आंडी, हाँ सामान वामान लेना था, सो सामान ले लिया। सो या कोल्ड ड्रिंक और थोड़े बहुत लेज लिए खाने पीने के लिए रास्ते में, सो चल थैंक यू भैया। सो या ले लिया है, सो अभी चलते हैं जल्दी से कार में। ओके सो गाइस हम लोगों ने इस छोटे से ढाबे पे थोड़ा सा स्टॉप लिया है, सो हम लोग अपने साथ मैगी लाए थे, सो पापा ने मैगी दे दी है सामने रेस्टोरेंट पे, तो बोला उधर कि ये मैगी बना दो एंड अगर आपको खानी है तो आप भी खा लो, एंड ये रही हमारी बिल्ली। सो यार जल्दी से मैगी खाते हैं एंड चलते हैं। ओके सो आई गेस दादी के घर पहुंचने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो यार फ़ोन मैंने अपना कैमरा के एंड फ़ोन सारा चार्ज पे लगा दिया था, सो फिलहाल अभी मैगी आ चुकी है तो ये खाते हैं, एंड इंजीन भी आ चुकी है। ओके सो फिलहाल मेरी मैगी आ चुकी है, ये भी मैगी आ चुकी है, कोल्ड ड्रिंक के साथ इन्जॉय कर रहे हैं, एंड ये एक्स्ट्रा मैगी है जो कि हम दोनों आधी आधी कर लेंगे। कैसा है गाइस फाइनली खाना पीना खा लिया है, सब कुछ हो गया है, मैगी वागी खा ली थी एंड अभी फिलहाल जा रहे हैं आगरा की तरफ, एंड ये रही बिल्ली, ये ऐसे घूमती रहती है, ऐसी हरकतें करती रहती है। ओके सो फाइनली हम लोगों ने राजस्थान क्रॉस कर लिया, हम लोगों ने यूपी के अंदर एंटर कर लिया है एंड अभी हो रहा है 9:47, सो टाइम लग जाएगा हम लोगों को घर पहुँचने में। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर एंटर कर लिया है दादी की, सो जल्दी से गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं एंड चलते हैं अंदर। सो फाइनली दादी घर पे पहुंच चुके हैं, ये रही पापा जिया एंड दादी रही ये, कैसे हो? खुश रहो, मजे कर आए। हाँ कर आए। ओके दिस इज द नेक्स्ट डे एंड अभी दादी घर पे ही है एंड मैं नहा धो के ऑलरेडी अनसेट हूँ, सो अभी चलते हैं बाहर एंड दिखाते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे हैं। ओके सो यहाँ है दादी और मम्मी, दादी और मम्मी रोटी बना रही है। दादी ने आपने खाना खा लिया है? नहीं खाने जा रहे हैं। अच्छा खाने जा रहे हैं, और भाई बने हैं आलू के पराठे टेस्टी टेस्टी एंड मम्मी भी खाना खाने जाएंगी, पहले बना रही हैं। सो अभी चलते हैं बाहर एंड देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ओके सो बिल्ली का था पता नहीं है और पापा रहे यहाँ पे। सो आपने खाना खा लिया? ओके घर का खाना इतने दिनों बाद। हाँ आलू पराठा। हाँ ओके सो बिल्ली आ गई यहाँ पे, आंटी अपना फोन चला रही थी। हेलो जिया
गुड मॉर्निंग नहीं, ये शर्माती है कैमरा के सामने आने से, इसलिए आती भी नहीं है। यहाँ पे बैठी हुई थोड़ी देर पहले चली गई थी उठ के, मेरे को नहीं आना कैमरा के सामने से। ओके सो हियर मेरा खाना, चाय भी आ रही है, आलू का पराठा एंड लहसुन की चटनी। लास्ट टाइम जो चोकोदानी गए थे ये बहुत टेस्टी लगी थी मेरे को, सो ये मैं वहाँ से ले आया। सो ये अभी इसके साथ खाना खाते हैं। गाइस अभी खाना पीना खा लिया है तो हम लोग जा रहे हैं बाहर। गाड़ी में भाई ड्राइंग का थोड़ा बहुत सामान लाया था मैं, वो रखा हुआ है। आंडिया बिल्ली से मिल लो भाई, बिल्ली से बड़े दिनों बाद मिल लो तुम लोग, बिल्ली से मिलो। तो बिल्ली भी सो रही है और भाई ये कह रही है कि वो जो ब्राउन डॉगी छोटा सा पपी है उसको उठा के लाते हैं, खेलेंगे उसके साथ। भाई इतने दिनों बाद अपना ड्राइंग का सामान देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, पेंसिल्स, मैकेनिकल पेंसिल्स, स्केच बुक, सब कुछ यार। भाई इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, सो अभी ड्रॉ करते हैं, लाइव स्केचिंग करूँगा मैं अभी, सो स्केच करता हूँ फिर आपसे मिलते हैं। ओके सो या बैठे बैठे मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई हैं, बिकॉज मतलब फ्री हैंड रफली बना रहा हूँ मैं। सो ये तो लाइक मेरे को पता भी नहीं, मतलब ये पाउच मेरे सामने पड़ा हुआ था सो इसको इग्नोर करना। ऐसे ही मैं रफली शेडिंग कर रहा था जल्दी जल्दी इसमें। ये एक कीज़ का बनाई जो मेरे को इंटरनेट पे फोटो मिली, ये एक नाइफ की पिक्चर बनाई मैंने, ये लाइव स्केचिंग की थी मैंने थोड़ी बहुत, एंड फिर उसके बाद ये टेप का बनाया था मैंने। सो या यही कुछ चीज़ें बनाई हैं अभी मैंने, एंड या अभी थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करते हैं, एंड फिर उसके बाद शायद शाम को थोड़ा घूमने घामने का सीन बनेगा, सो फिर मिलते हैं। एंड मम्मी कर रही है यहाँ पे फ़ोन पे बात, वो घुसी हुई अपने फ़ोन में, एंड पापा और दादी तो सो रहे हैं अभी, बिकॉज भाई खाना खा के किसको नींद नहीं आती। ऐसे लेग लेवल सीन चल रहा है, अभी बज गए हैं भाई सुबह से लेके भी 4 बज चुके हैं, एंड भाई पूरे घर में सब सो रहे हैं, दादी जिया ही उठे हुए हैं बिकॉज अभी भैया आए हुए हैं। सो पापा मम्मी तो सो रखे बिकॉज इतने दिनों बाद ट्रिप से आए हैं, सो भाई सबका सर दर्द होता है। ओके सो गाइस अभी 7 PM हो रहा है, एंड सुबह से मैंने बहुत कम व्लॉग किया था बिकॉज भाई सब लोग सो रहे थे ट्रिप से, सबके आए थे, एंड या किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी उठने की। सो अभी फिलहाल हो गए हैं 7 बज चुके हैं, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ये रही बिल्ली जो कि रेडी हो चुकी है, सो या जल्दी चलते हैं आगरा की मार्केट को एक्सप्लोर करने। ओके सो गाइस फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सोसाइटी के बाहर। सो गाइस हम लोग इस सिग्नल पे 3री बार फंसे हुए हैं, बस भाई काउंटडाउन पूरा होता है भाई कोई आ जाता है, इतना लंबा जाम लग रखा है यहाँ पे। और भाई अभी इस बाइक वाले की वजह से यहाँ पे रुकना पड़ा, चला ही नहीं रहा था आगे, रोक के खड़ा हो गया था, वो अभी 3री बार खड़े हैं। ओके सो गाइस अभी हम लोग आ रहे हैं संजय प्लेस, एंड भाई जा रहे हैं सबसे पहले पंचशेक पीने, बिकॉज आगरा है एंड पंचशेक ना पिए भाई, जो मेरा फेवरेट है वो तो छोड़ नहीं सकते, सो अभी जल्दी से पीते हैं पंचशेक। गाइस अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं था इस पूरी रोड पे सिवाय हमारी कार के, भाई जैसे ही हम लोग आए हैं पूरा ट्रैफिक जाई जा रहा है यहाँ से, बंद ही नहीं हो रहा भाई, रेड लाइट होगी सामने। चलो गाइस ये जो आप दोनों तरफ शॉप्स देख रहे हो ना, ये पूरी जो जितनी यहाँ से लेके एंड तक शॉप्स हैं ये सारी एक प्रॉपर्टी है, एंड नीचे दुकानें दे रखी किराए पे सेल कर रखी है, एंड ये पूरी जो है यहाँ से एंड तक ये पूरी एक बंदे की प्रॉपर्टी है। सो ये दोनों भाई हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। आए हैं सारी कपड़ों की मार्केट है, मतलब कपड़े ही कपड़े भर रखे हैं, चलने तक की जगह नहीं है, देख लो भाई पूरी गली घिर रखी है। सो या अभी हम लोग आगे चलते। ओके सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एंड मम्मी और जिया ने थोड़ी बहुत शूज़ की एंड कपड़ों की ऐसी बहुत शॉपिंग की है। सो या मम्मी तो ये रही हैं एंड जिया चल रही है आगे, सो जल्दी से चलते हैं। गाइस आज पता नहीं क्या हो गया गाइस, वहाँ से तो आ गए पर पता नहीं भाई मम्मी को क्या हो गया, मम्मी का इतना ज़्यादा मूड ऑफ है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों क्या हो गया, तो बात हो गई किसी बात से नाराज़ हो मैंने कुछ कर दिया, कहती हैं अरे यार ऐसी कोई बात, कहती हैं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं तेरे को बताऊँ क्या, मम्मी हुआ क्या बताओ तो। अभी कैमरा के सामने सारी बातें कर रहा हूँ ना, तभी हंस रही, अभी तक एकदम चुप चाप चल रही, पता नहीं क्या हो गया। वैसे तो मम्मी बड़ी ज़्यादा बातें करती, क्या हुआ। सामने जो आप शॉप देख रहे हो ये जो पंछी पेटा है ये उसकी मेन शॉप है, जहाँ से पूरी जगह सप्लाई होता है, जो कि सेठ गली में, एंड ये जो पूरी गली है अभी जो आगे स्टार्ट होगी वो सारी पेठे की होलसेल मार्केट है। ओके सो गाइस अभी हम लोग सेठ गली आगे है,
अभी हम लोग हैं फव्वारा मार्केट में, जिसको फाउंटेन मार्केट यहाँ पे कहते हैं। सो यार अभी हम लोग पूरी कपड़े की मार्केट है। एंड ओके सो गाइस, अभी हम लोगों ने मेडिसिन मार्केट के अंदर एंटर कर लिया है। यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी शॉप्स हैं, ज़्यादातर पूरी होलसेल मेडिसिन शॉप्स हैं। एंड यार जितना भी आप ये वाला एरिया देख रहे हो, सारा का सारा गोल्ड की शॉप्स है। तो ये आगरा की पूरी गोल्ड मार्केट है, पूरी अंदर तक है, बहुत जाम लगा होता है यहाँ पे। एंड सो गाइस, ये यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस टिक्की भल्ले, आई डोंट नो एक्चुअली इसे कहते क्या है, मेरे हिसाब से टिक्की है। सो मम्मी कैसी लग रही है? जी या बिल्ली? पापा ओके, पापा तो यहाँ पे सालों साल से खा रहे हैं। तो भाई बहुत टेस्टी है ये, कभी भी आओगे ट्राई करना सेठ गली। सो गाइस एक पूरी खा ली भाई, इतनी टेस्टी है ना, तो मैं एक और बनवा रहा हूँ। सो गाइस फिलहाल खाना पीना खा लिया है, अंडिया अब चलते सीधा घर। चिल्लाने में लग रखी है। सो हम लोग लाइक एक या दो घंटे पहले तक आ चुके थे। एंड फिर उसके बाद हम लोग मस्त बैठे हुए थे एंड अपना चिल पिल कर रहे थे, बिकॉज घर पे काफ़ी सारे गेस्ट आ रखे थे, मतलब रिलेटिव्स एंड ऑल। सो भाई इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, अरे रुक रुक इतने दिनों बाद मिल रहे थे, तो भाई थोड़ी सोरी बातें की एंड भाई मज़े किए। सो ये हमारी बिल्ली, और बिल्ली के साथ देखो कौन है भाई, ये बुआ का लड़का है। सो यार ये हमारे घर पे आया था, तो भाई इसके साथ खेला थोड़ी देर, भाई गर्मी पसीनों पसीने कर दिया इसने साथ में खेल के। नाम क्या है? क्या नाम? चीनू नाम है भाई, चीनू नाम है इसका। भाई इसके साथ बहुत मजे किए। सोया अभी जा रहे हैं, सो भाई अभी जा रहे हैं हम लोग दादी, रुको तो अरे यार बोलने ही नहीं दे रहे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी दादी के घर पे, बिकॉज ये वीडियो ये वाली तो नहीं जो पहले एडिट की है उसको अपलोड करना है। सो या पूरी एडिट कर ली है, अब बस अपलोड करने आना है। ओके सो गाइस, काफ़ी सारे लोग बोलते थे हम इसको मोटी बिल्ली के बोलते हैं, भाई इसके पीछे एक रीज़न है मोटी बिल्ली इसको बोलने का, बिकॉज इसको हमने नाम दिया मोटी बिल्ली। एक तो ये पहले बहुत गोलू मोलू सी थी, प्यारी सी, भाई चिड़की हो रही है ना, भाई पहले बहुत गोलू मोलू सी थी, तो इसका नाम हमने मोटी बिल्ली रख दिया था। एंड सेकेंड पॉइंट क्यों रखा था, बिकॉज एक तो बिल्ले होते हैं भाई आराम से मस्त अपना पड़े रहते, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, खाने पीने के लिए बाहर आते आलसी एक नंबर के। तो भाई ये बिल्ली भी वैसी ही थी, खाती पीती थी, बस उसी के लिए आती थी पहले एंड फ़ोन चलाती रहती थी पूरा दिन, कोई काम नहीं करती थी, तो इसलिए इस बिल्ली का नाम हमने मोटी बिल्ली रख दिया। सो गाइस फिलहाल आ चुके हैं दादी घर पे, सो जल्दी से अंदर चलते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं एंड फिर आपसे मिलता हूँ मैं। एंड यार इतने आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा, हम लोग आगरा के अंदर एंटर कर चुके हैं एंड ये डे वन था आगरा में। एंड हम लोगों ने बहुत सही मस्ती की आज पूरा, मतलब जो आगरा था हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। एंड यार इतने आज की वीडियो में एंड हम लोगों ने बहुत मज़ा आया ऑफ कैमरा में, काफ़ी सारी चीज़ें शूट भी नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ फैमिली गेट टुगेदर होता है, सो मतलब ज़्यादा चीज़ें शूट भी नहीं कर सकता हम लोग उस समय, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंदर से हेजिटेशन होते हैं कि कैसे शूट करूँ मैं इतनी सारी चीज़ें। सो या खुद भी इतना मन नहीं कर रहा था शूट करने का, सो मैंने शूट भी नहीं किया। एंड या इतना ही था आज की इस वीडियो में, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट बाय अंसोनी एंड वेट फॉर द अनदर व्लॉग, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग।